हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। दोस्तों, कैट्स के काफ़ी ऑनर्स हमारे पास में आते हैं, पर्शियन कैट के, और उनकी एक बहुत ही बड़ी समस्या रहती है कि जो कैट्स हैं उनकी दोनों आईज से बहुत ज़्यादा पानी गिरता रहता है, टीयर्स प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और टीयर्स की वजह से उनके जो आईज के नीचे की जो स्किन होती है वहाँ पर टीयर स्टेन रह जाता है। और ये टीयर स्टेन उनको एक तो प्रॉब्लम भी करता है, प्लस एक्सेसिव आई में टीयर प्रोडक्शन होने से उनकी जो कैट है वो परेशान रहती है। तो आज मैं इसी का डिस्कस करूंगा आप लोगों से, और इसकी मैं आपको ट्रीटमेंट कारण बताऊंगा, उसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा, होम रेमेडीज़ भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात तो अगर आपने पर्शियन कैट ले ली है तो उसके लिए एक प्रॉब्लम के लिए तो तैयार रहें कि उसकी आईज से ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स होता रहेगा, लगातार आंखों से आंसू आते रहेंगे। और ये शायद आप देख सकते हैं कि केवल इंडिया की नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम रहती है पर्शियन कैट के साथ में, चाहे वो पंच फेस हो, चाहे वो डॉल फेस हो, सेमी पंच हो, तो हर तरीके की कैट में ये दिक्कत देखी जाती है। दूसरा दोस्तों, और जब ज़्यादा आई में टीयर प्रोडक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं एपिफोरा, एक कंडीशन होती है एपिफोरा। इस वजह से कैट की जो आईज होती हैं उसमें से लगातार आंसू गिरते रहते हैं। और इसका हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको कॉटन लेना है, और कॉटन से दोनों आईज जो हैं कैट की रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर साफ़ करनी है। यूँ नहीं एक दिन छोड़ दिया, दो दिन छोड़ दिए, आपको डेली साफ़ करना पड़ेगा। तो आपको दोनों आईज को कॉटन से अच्छे से साफ़ करना है। दूसरा दोस्तों, टीयर स्टेन सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे कि ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट बीफर कंपनी का टीयर स्टेन फॉर्मूला आता है, टीयर स्टेन रिमूवल फॉर्मूला आता है, बहुत अच्छा है ये, चाहे डॉग्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कैट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बीफर का टीयर स्टेन फॉर्मूला है। इसको यूज़ कैसे लेना है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप कैसे यूज़ लेंगे। तो ये देखिए, ये सॉल्यूशन है और ये इसकी पिपेट है, और जो कैट की या डॉग की आई, हम कैट की बात कर रहे हैं, तो कैट की आई से अगर आपको आईज को क्लीन करना है तो आपको क्या करना है, आई के किनारे पर ये पिपेट रखनी है, आई को टच नहीं करना है इससे, बस आपको दो बूंद एक आई में और दो बूंद दूसरे आई में डाल देनी है, और वेट करना है कि जो कैट है अपनी आई को ब्लिंक कर ले। उसके बाद में ये जो सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा आई में स्प्रेड हो जाएगा, इससे तो आई क्लीन हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, अगर टीयर स्टेन आपको हटाने तो ये ही प्रोडक्ट काम आएगा। इससे आप क्या करेंगे कि जो जहाँ पर स्टेन बन चुके हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है, दो दो बूंद डाल देनी है और कॉटन से या ईयरबड से धीरे धीरे उसको साफ़ करते रहना है। साफ़ करने से, ये तब तक साफ़ करना है जब तक कि वहाँ से टीयर स्टेन जो है वो अच्छे से रिमूव ना हो जाए। होम रेमेडी में क्या कर सकते हैं आप, रोज़ वाटर लीजिए, रोज़ वाटर को कॉटन में लेकर के उसमें दो तीन ड्रॉप्स रोज़ वाटर की डाल करके आप उसकी आईज़ को क्लीन कर सकते हैं। अगर लंबे टाइम तक ऐसा हो रहा है तो आप आई ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप आती है, या फिर आप सावा की विजोटियर आई ड्रॉप यूज़ ले सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं तो जो सीफ्लॉक्स आई ड्रॉप्स आती हैं उनका भी बहुत अच्छा यूज़ देखा जाता है आई के इन्फेक्शन को करेक्ट करने में। प्लस आप क्या कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, बोरिक एसिड आता है दोस्तों। बोरिक एसिड एक्चुअल में आईज़ को क्लीन करने का ही एक एसिड होता है, पाउडर फॉर्म में आपको मिल जाएगा किसी भी केमिस्ट की शॉप पे। आपको बोरिक एसिड कितना लेना है, आपको 1 ग्राम बोरिक एसिड लेना है, करीब 50 से 100 ml आपको या तो NS ले लेना है या फिर आपको नॉर्मल टेप वाटर ले लेना है, उसमें बोरिक एसिड मिक्स करके अच्छे से सॉल्यूशन बना करके आप कैट की आईज़ को साफ़ कर सकते हैं और कॉटन से उसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है बोरिक एसिड आईज़ के क्लीनिंग के लिए, आईज़ के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। यूजुअली जो आईज़ में टीयर प्रोडक्शन होता है वो मैंने बताया एपिफोरा की वजह से, या फिर हर्पीज वायरस इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए हैं, पहला तो आप टीयर स्टेन रिमूवल फॉर्मूला यूज़ ले सकते हैं, दूसरा आप आई ड्रॉप्स यूज़ ले सकते हैं, और तीसरा मैंने आपको बताया घरेलू इलाज में आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें रोज़ वाटर यूज़ ले सकते हैं और बोरिक एसिड का यूज़ आप ले सकते हैं। इन चीज़ों का आप यूज़ लेंगे तो कैट्स में जो टीयर प्रोडक्शन है उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जा सकेगा। ऐसी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।